वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे अल्लाह पाक के फजल और करम के साथ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक कहना चाहूँगी, उसके बाद रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। उम्मीद करती हूँ आज का दिन सबका अच्छा गुजरा होगा। खैर, जिनके घरों में कुर्बानी होती है उनका बहुत मसरूफियात भरा दिन होता है। हमारे घर में कुर्बानी थी तो आप लगा लें कि मुझे अभी टाइम मिला है कि वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, बात करूँ आप सबसे। बस अभी बच्चे गए हुए गोश्त बांटने के लिए, तो पीछे से मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ जी। ईद पे हम बच्चों को जी कपड़े पहनाते हैं प्यारे प्यारे से, और बच्चे माशाल्लाह से होते ही प्यारे हैं तो फिर उनको और प्यारे लगते हैं, और उन्हें नज़र लगने का सबसे ज़्यादा जो है ना डर माँ को होता है कि इनको नज़र ना लग जाए। तो आप सब माओ के साथ एक बात जो है मैं शेयर करूँगी, आपने जब भी अपने बच्चे को कपड़े पहनाने लगना है न्यू कपड़े, तो आप लोगों ने 3 मरतबा सूरत कौसर पढ़ते जाना है, ठीक है? और बच्चे को कपड़े पहनाने हैं, सूरत कौसर पढ़ते पढ़ते बच्चे को कपड़े पहनाने हैं, और यकीन करें बच्चे को नज़र नहीं लगेगी, बिल्कुल नज़र नहीं लगेगी। मैंने भी इसी तरह से कपड़े पहनाए हैं, खैर अभी वो घर पे नहीं है वरना मैं आप लोगों के साथ उनकी वीडियो ज़रूर बनाती, और वही बात बता रही हूँ कि हाउस वाइफ जो होती हैं उनको टाइम ही बहुत मुश्किल से मिलता है, अपने लिए नहीं मिलता है, तो फिर वो थोड़ा सा ना मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। व्लॉग्स बनाने के लिए ना हर वक्त फ़ोन हाथ में होना ज़रूरी है, और मेरे हाथ में फ़ोन बहुत मुश्किल काम है, वरना मैं आप लोगों के साथ ज़रूर ये बात शेयर करती या व्लॉग बनाती आप लोगों के लिए। आज मेरा बहुत दिल था, काम में इतनी मसरूफियात रही है कि बस मोबाइल का कुछ पता नहीं था कि मोबाइल कहाँ पड़ा हुआ है। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अगर कोई गलती कुताही हो जाती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि माफ़ करने वाला ही बड़ा होता है, ठीक है? अल्लाह पाक आप सबको ईमान में रखे। अपने अल्लाह